So friends, now we'll be taking a concept which you have already studied in 10th standard. पढ़ा है आपने, जिसको हम बोलेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. ये आपके लिए क्या था उस टाइम पे? रेजिस्टर्स के लिए आपने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था. क्या पढ़ा था आपने? कि सीरीज कनेक्शन हो गए तो रेजिस्टेंस ऐड अप होते हैं, और पैरेलल कनेक्शन हो गए तो इनके इनवर्स ऐड होते हैं एंड गिव्स इनवर्स ऑफ रिजल्ट. 1 upon R1 plus 1 upon R2 is 1 upon R. Yes, आपने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. ये आपने पढ़ा 10th स्टैंडर्ड में. ओके, व्हाट इट वाज यू नेवर न्यू. आपको सर ने बोला ये सीरीज कनेक्शन, आपने लिख डाला. पैरेलल बोला ये पैरेलल है, बराबर है, फाइन. और कुछ लिमिटेड न्यूमेरिकल्स थे जो आपने किए एंड उसे क्रैम कर लिए एंड फिर कभी उसके पचड़े में नहीं गए कि वाई सीरीज एंड वाई पैरेलल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल, व्हाई डू वी रिक्वायर दिस, वो भी हमने कभी नहीं देखा. और ना ही हमारे टीचर ने सिखाया, ना हमने सीखा. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज टीचर्स, बट द ओनली थिंग इज दैट द रिस्पेक्टेड टीचर्स वर नॉट एट दैट लेवल टू गिव द आइडिया ऑफ इट. ये आपको 12th में आके डिटेल में समझना है. इससे चलो सबसे पहले वी विल टेक द कॉन्सेप्ट व्हाई सीरीज व्हाई पैरेलल, व्हाट आर सीरीज एंड व्हाई वी यूज दिस. ये एक छोटा सा लेक्चर हमारा सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एंड फिर कैपेसिटर के लिए अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या चीज है. तो हम अपने वी नो दैट इन आवर डेली लाइफ वी यूज करेंसी अ लॉट. हमारे पास हमारे गवर्नमेंट ने करेंसी के नोट्स बनाए हुए हैं. अगर याद करें तो नोट्स कौन से, रुपी 1, 2, फिर 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. ये करेंसी नोट्स हमारे दिए हुए हैं. अब ये करेंसी डिनोमिनेशन है, फिक्स्ड है. आप 2000 की नोट को 1000 बोल के यूज नहीं कर सकते, इट इज फिक्स्ड ना. अगर इनके अलावा इसी कोई नंबर में करना हो तो हम सीधी नोट दे देते हैं एंड वी कंप्लीट अवर वर्क. बट इफ देयर इज सम नंबर व्हिच इज अपार्ट व्हिच इज नॉट इन दिस डिनोमिनेशंस, सपोज आपको कहीं पे 700 रुपए का पेमेंट करना है, यू हैव टू पे 700, तो क्या करोगे? डू यू हैव अ नोट ऑफ 700? नहीं सर, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो फिर क्या करोगे आप? यू डोंट हैव 700 डिनोमिनेशन नोट. So what you do is you make combination. आप एक combination करेंगे, 500 की एक note लोगे, 200 की एक note लोगे, and you'll get the payment done. Fine. क्या ये एक ही तरीका है? नहीं सर, मेरे पास तो 100-100 की note थी, मैंने 7 दे दी. That's also fine. किसी ने बोला सर 50 की note थी, 14 notes दे दी, ये भी हो गया. बस देने का ही है? नहीं. कोई बोलेगा सर मैंने तो 2000 की note दी, एक नोट दी, उन्होंने मुझे 500 की दो नोट वापस दे दी एंड फिर 200 की एक नोट दे दी एंड फिर 100 की एक नोट दे दी, यानी 1400 इज गिवन, सॉरी हाँ 1300 इज गिवन बैक, यानी 2000 दिए एंड उसमें से 1300 रुपए वापस आए. दैट्स आल्सो पॉसिबल. यानी खाली देना ही देना नहीं, एडिशन ओनली नहीं, ये एडिशन है, यही नहीं, यू कैन हैव द सब्ट्रैक्शन आल्सो. 2000 दे के बाकी का वापस लिए. सो व्हाट यू डू, लिमिटेड डिनोमिनेशंस वाली करेंसी नोट्स अवेलेबल है. इफ यू वांट एनी अदर डिनोमिनेशन अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू पे एनी अदर अमाउंट अपार्ट फ्रॉम दीज डिनोमिनेशंस, यू मेक कॉम्बिनेशंस, यू आइदर ऐड देम और गिव समथिंग एंड रिटर्न यू टेक, यानी कि माइनस भी करते हो, यानी यू जस्ट मेक कॉम्बिनेशंस एज पर अवेलेबिलिटी. खास ध्यान रखें ये कॉम्बिनेशन क्यों बनते हैं, मेरी जेब में मेरे वॉलेट में कौन सी नोट्स पड़ी है उसके ऊपर से बनता है. क्लियर? ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड केयूर सर ने बोला है कि 500 की एक नोट और 200 की एक नोट वही चल रहा होगा 700 रुपए. नहीं ऐसा नहीं, यू कैन अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो. ये तो केयूर सर के वॉलेट में 500 की नोट थी, 200 की नोट थी, उन्होंने ये दे दिया. कहने का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल ऑफ द एंटायर स्टोरी? करेंसी के फिक्स्ड डिनोमिनेशंस आर अवेलेबल, बट इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी अदर अमाउंट अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन. सेम सिचुएशन मार्केट इंडस्ट्री की है. इंडस्ट्री में रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल, यानी कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स एम फॉर सर्टन फिक्स वैल्यूज ओनली, नॉट फॉर एनी डैम वैल्यू. रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर मेड एंड इवन बैटरीज ऑल्सो
ऑफ सर्टन फिक्स वैल्यूज ओनली। हमने देखा है 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, तो सर्टन फिक्स वैल्यू वाली बैटरी कनेक्ट बनती है। बट इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी अदर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन योर सर्किट, अब अवेलेबल रेजिस्टर्स कुछ वैल्यू के हैं, फिक्स वैल्यू के रेजिस्टर बनते हैं इंडस्ट्री में, पर आपको आपकी चॉइस का कोई रेजिस्टेंस चाहिए, क्यों आपकी चॉइस का, आपकी सर्किटरी ऐसी है कि जिसके अंदर यू रिक्वायर सम अदर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या करोगे, तो अवेलेबल वैल्यूज को आप जोड़ तोड़ करोगे, कॉम्बिनेशन करोगे। करेंसी में तो प्लस माइनस चलता है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर में प्लस माइनस के अलावा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये सीरीज एंड पैरेलल क्या चीज है, जोड़ तोड़, इट इज नथिंग बट मैन्युपुलेटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग आवर डिजायर्ड वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल फिक्स्ड वैल्यूज। ध्यान से समझ लो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज ऑब्टेनिंग आवर डिजायर्ड वैल्यू यूजिंग अवेलेबल फिक्स्ड डिनोमिनेशंस। रेजिस्टर्स के केस में सीरीज में यू होता है, पैरेलल में ये होता है। अब ये सब क्या होता है वो तुम लोग आगे चल के देखते हैं, नो डाउट रेजिस्टर्स विल बी लर्निंग इन चैप्टर नंबर 3, बट इन दिस चैप्टर नंबर 2 वी आर डूइंग कैपेसिटर्स। तो सर बैटरी का क्या, वो भी चैप्टर नंबर 3 में आ रहा है, उनके भी जोड़ तोड़ेंगे, तो वो सब रेजिस्टर बैटरी विल बी डिस्कसिंग इन चैप्टर नंबर 3 देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट राइट नाउ इन चैप्टर 2 विल बी स्टडीइंग कैपेसिटर्स। ये तो जनरल आइडिया दे दिया सबके लिए कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हमने देख लिया। चलो चलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी। सो आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट्स गो फॉर देयर कंपैरेटिव स्टडी। अभी तो सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी करें, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ देम, लेटर ऑन विल बी टेकिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन फुल डिटेल्स। अभी तो फिलहाल दोनों को कंपेयर करें, दोनों क्या चीज है, क्योंकि सेम थिंग विल अप्लाई टू रेजिस्टर्स आल्सो। पहली बात सीरीज कनेक्शन है क्या, तो व्हेन मोर देन वन कैपेसिटर, सपोज ए C1, दूसरा कैपेसिटर C2, तीसरा कैपेसिटर C3, मोर देन वन कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन अ लाइन, एक लाइन में कनेक्ट किया हो, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, यानी के इन अ लाइन कनेक्ट इन अ लाइन, ये सीरीज कनेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। पैरेलल कनेक्शन है क्या, तो एक कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस का, दूसरा कैपेसिटर C2 कैपेसिटेंस का, तीसरा कैपेसिटर C3 कैपेसिटेंस का, जो यहाँ लिए तो वही, तो वही C1 C2 C3 ले लिए, पैरेलल रख दिया, पैरेलल कनेक्शन तो पैरेलल में ही रखना पड़ेगा ना। नाउ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट, लेट्स से A एंड अनदर कॉमन पॉइंट इज B। व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स देन सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो बोला यहाँ पे भी तो कॉमन पॉइंट है, कहाँ कॉमन पॉइंट है यार, एक ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, C1 का एक प्लेट ए के साथ है, C1 का दूसरा प्लेट पता नहीं कहाँ है, C2 के साथ में, C2 का दूसरा प्लेट C3 के साथ में, C3 का दूसरा प्लेट B के साथ में, यानी A C1 के साथ में, B C3 के साथ में। तो यहाँ पे C1 के दोनों एंड प्लेट्स A एंड B पे, C2 के दोनों प्लेट्स A एंड B पे, C3 के दोनों प्लेट्स A एंड B पे, तो तीनों तीन के लिए दोनों एंड पॉइंट कॉमन। सो व्हेनेवर यू हैव एंड पॉइंट्स कॉमन फॉर द सेम डिवाइस, यू हैव मोर देन कंपाउंड हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स एंड सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। कॉमन एंड पॉइंट्स हुए तो दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स कॉमन हुए तो दैट इज पैरेलल कनेक्शन, पर अगर ऐसे लाइन में लगाए हो तो उसको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। ओके, अगर दोनों एंड पॉइंट्स कॉमन हो तो पैरेलल कनेक्शन, अगर तीनों को लाइन में लगाए हो तो दैट बिकम्स सीरीज कनेक्शन। ये इनका बेसिक डिफरेंस। अब आगे बढ़े तो सीरीज कनेक्शन में यहां से अगर चार्ज आता है तो सपोज यहां प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हुआ या माइनस क्यू हुआ, अब कंटिन्यूइंग द सर्किट और कोई ब्रांच पे है नहीं तो कहीं से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आएगा नहीं या कहीं से कोई बाहर निकलेगा नहीं, रास्ता वही का वही, तो सेम चार्ज ऑन सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, सेम चार्ज ऑन प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। सो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो सीरीज कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहता है क्योंकि और कोई ब्रांच ही नहीं है। जबकि यहां देखो तो यहां से अगर चार्ज क्यू आया, यहां से अगर चार्ज क्यू आया तो क्या होगा, तीन ब्रांचेस, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगा, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3। यहाँ पे सपोज प्लस Q1 डिपॉजिट हुआ या माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। यू विल से दैट कि सर ऐसा क्यों हुआ तीनों का अलग अलग कैपेसिटर है, अलग अलग चार्ज है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, ईच वन हैज डिफरेंट कैपेसिटेंस,
कैपेसिटी अलग हो तो ऑब्वियस अलग अलग चार्ज आएगा। सर तो एक ही पढ़ाते हैं क्लासरूम में, 15 बच्चे बैठे होते हैं, हर एक का क्या स्कोर सेम आता है? सर ने वही चीज पढ़ा, वही नोट्स दिया सबको, सबने वही चीज देखा है, वही बातें सुनी है। सर ने ऐसा नहीं किया कि दो स्टेटमेंट इस बंदे के लिए ज्यादा बोले, दो उसके लिए कम बोले, नहीं ऐसा तो है नहीं। इक्वल थिंग गिवन टू ऑल, बट व्हाट दे गेट इज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, इसे थोड़ा फर्क पड़ जाता है स्कोर में। तो सेम है यहाँ पे भी, एज पर द कैपेसिटेंस द चार्ज गेट्स डिपॉजिटेड। हाँ, पर यहाँ एक बात फिक्स है, Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, टोटल चार्जेस इक्वल टू व्हाट इज सप्लाइड। ओके, तो यहां पे क्या बोलेंगे इसके बारे में, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ध्यान से समझ लो, मैं ये पॉइंट बाजू बाजू में लिख रहा हूं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम, जबकि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिफरेंट। अब दूसरी बात, C1, C2, C3 के एंड पॉइंट्स कॉमन है, C1 के दो एंड पॉइंट्स A एंड B, C2 के दो एंड पॉइंट्स A एंड B, और C3 के एंड पॉइंट्स A एंड B। याद करो चैप्टर का पहला टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। याद है ना, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं था, डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब C1 का इनिशियल एंड फाइनल सेम A एंड B, C2 का इनिशियल फाइनल सेम A एंड B, C3 का इनिशियल फाइनल सेम A एंड B, तो तीनों के लिए एंड पॉइंट्स आर कॉमन, इससे स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम विल बी सेम। सो इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। यहां पे क्या होगा, C1 के दो एंड पॉइंट्स सपोज A एंड दिस लेट्स X1, C2 के एंड पॉइंट्स X1 एंड X2, C3 के एंड पॉइंट X2 एंड B, मतलब तीनों के एंड पॉइंट अलग अलग है, तो ऑब्वियस है तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। कंपैरिजन देखो, दो मार्क का अगर डिफरेंसेस पूछा हो, गिव डिफरेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो गया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम इन सीरीज, चार्ज हियर इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अलग अलग है। यानी चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग, चार्ज डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ये पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हो गया। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, वी कैन गिव इट एज V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फ्रॉम अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस जो टोटल V लगाएंगे, उसमें से V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे, V3 यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे चार्ज का रिलेशन चलता है, वो यहाँ पे पोटेंशियल का रिलेशन चलता है। फिर इन तीनों का इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगा, अगर तीनों को लगाया सीरीज में तो इफेक्टिव क्या मिलेगा? तो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तुम बोलोगे सर C1 प्लस C2 प्लस C3, नहीं वो तो रेजिस्टर में होता है, कैपेसिटर में इनवर्स का एडिशन। तुम बोलोगे सर यार ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए था, याद करो 1/RP वाज 1/R1 प्लस 1/RT, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में था रेजिस्टर्स के, तो कैपेसिटर कैसे इस कनेक्शन का फॉर्मूला है, इसे हम ऑब्टेन करेंगे आगे डिटेल में, पर अभी फिलहाल सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस दैट ऑफ पैरेलल इन रेजिस्टर्स, याद रखने में इजी पड़ेगा, जो 10 में पढ़ा था उसको उल्टा करने का। तो फिर यहाँ सर यहाँ पे हाँ सी इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3 एज यू आर इन सीरीज कनेक्शन R1 प्लस R2 प्लस R3। कंफ्यूज हो गए सर, ये तो कौन सा कहाँ पे लेने का है, अरे 10th में जो पढ़ा था उसका उल्टा, 11th में 12th में कैपेसिटर में उल्टा रिलेशन चलता है, पैरेलल में एडिशन होगा, सीरीज में इनवर्स का एडिशन होगा। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज देखे, तो जब इनको ऐड करते हैं इनवर्स को, चलो सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, लेट्स वर्क आउट विद सम वैल्यू, लेट्स से C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड एंड C3 इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड, इसको वर्क आउट करें तो 1/C सीरीज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5, दिस विल कम आउट टू बी 10 LCM 17/10, तो CS हो गया 10/17, यानी के रफली 0.65। अब सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव क्या है, 0.65, तीनों वैल्यूज क्या थे 1, 2 और 5, एंड इफेक्टिव क्या है तीनों का 0.65, यानी तीनों में जो सबसे छोटा है उससे भी कम, यानी कि इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन इफेक्टिव कैपेसिटी बिकम लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, तीनों में जो मिनिमम है उससे भी कम हो जाता है ये वैल्यू, यानी तीनों में जो मिनिमम है उससे भी कम हो जाता है, यानी इफेक्टिव वैल्यू ड्रॉप्स लेस देन द लीस्ट,
दैट इज वी से लेस देन लीस्ट, यानी के देयरफॉर कैपेसिटेंस डिक्रीजेस ऑन कनेक्टिंग इन सीरीज कनेक्शन। तो अगर आपको कैपेसिटेंस कम करवाना है तो गो फॉर सीरीज कनेक्शन, आप पता लगा ना इसकी क्या जरूरत है। अगर आपको कैपेसिटेंस कम कराना है तो गो फॉर सीरीज कनेक्शन। ऑन द अदर हैंड यही तीन वैल्यू लेके अगर देखे तो पैरेलल कनेक्शन में सिंपली ऐड करना है 1+2+5 यानी कि 8 माइक्रोफेरेड हो गया पैरेलल कनेक्शन के लिए, बराबर। तो ये क्या बनेगा, तीनों में जो सबसे बड़ा है 1 2 5 से भी ज्यादा हो गया। तो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन सीपी बिकम्स ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल C1 C2 C3 जो कनेक्ट किए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट इट बिकम्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। दैट इज अगर सीरीज कनेक्शन, अगर पैरेलल कनेक्शन किया हो तो वैल्यू तीनों में जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन कनेक्टिंग इन पैरेलल कनेक्शन। यानी अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करवाना है तो गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस डिक्रीज करवाना है तो गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी गिवन डिनोमिनेशंस में से आपको डिजायर्ड वैल्यू कम है, आपके आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कम है तो गो फॉर सीरीज कनेक्शन, अगर आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू ज्यादा है तो गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी सर बीच में हो तो आगे कर लो जोड़ तोड़ सीरीज एंड पैरेलल का, दैट बी अ मिक्स कॉम्बिनेशन, क्लियर। ये कह रहा है तो व्हाई वी रिक्वायर सीरीज एंड पैरेलल वो भी पता लग गया हमको, हमने आगे देखा कि वी डिजायर्ड आवर डिजायर्ड वैल्यूज व्हाट वी वांट। याद रखे साइंस क्या चीज है, फिजिक्स क्या चीज है, जो हम चाहे वही पाएंगे हम यहाँ पर, धीरे धीरे हम लोग उस तरफ चल रहे हैं। आवर डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज वी कैन ऑब्टेन बाय फिक्स्ड अमाउंट यूजिंग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस। एक स्टेप और आगे, अगर मान लो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 तीनों सेम होते हैं और इक्वल टू सपोज C बोल देते, तो इसमें क्या आता, 1/C + 1/C + 1/C यानी 3/C, उल्टा करो तो CS कम्स आउट टू बी C/3। यानी कि अगर n इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन जनरल वी कैन से दैट CS बिकम्स C/n। n इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज तो वी गेट C/n इफेक्टिव वैल्यू। यानी 5 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर ज्वाइन किए हो तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 5/3 सीधा, ओके। जबकि सीरीज में अगर इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो तो नेट से सी सपोज, तो फिर क्या होगा, C+C+C3C, तो सी पैरेलल विल बी 3C। दैट इज इन जनरल वी कैन से सी दैट सी पैरेलल बिकम्स n टाइम्स सी। अगर n इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, n इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल तो n टाइम्स हो जाएगा। यानी कि सपोज 5 माइक्रोफेरेड वाले तीन लगाए हो तो 5 × 3 यानी कि 15 माइक्रोफेरेड हो जाएगा इफेक्टिव वैल्यू, क्लियर। तो ये सब बातें, ये जस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉन्सेप्ट हम लोग एमसीक्यू में एज वेल एज न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज करेंगे, ये थियोरी लिखने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी कंपैरिजन। आपको अगर डिफरेंस पूछा तो यू कैन इजीली मेक आउट डिफरेंसेस। ये मैंने नोट्स में नहीं दिया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी आउट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, अन करें तो ज्यादा अच्छा है, इट इज एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड।